हाय दोस्तों, मैं मिलन, आप देख रहे हैं टेकी स्ट्रीट। आज मैं लेके आया हूँ सुपर गेमिंग फोन। अब तक का सबसे पावरफुल गेमिंग फोन है ये Asus ROG Phone 2, जो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, जहां पे आपको बहुत ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फोन में स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर लगा है। ये वर्ल्ड का सबसे पहला फोन है जहां पे ये प्रोसेसर मिल रहा है। अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 6000 mAh की बैटरी और ROG Phone 2 के लिए काफी सारी एक्सेसरीज भी मिलने वाली है, जैसे की ट्विन व्यू डॉक 2, ROG गेम पैड, एरो एक्टिव कूलर 2 और भी बहुत सारी एक्सेसरीज मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं फोन में क्या है कुछ खास फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। और दोस्तों, आप नए हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अपडेट और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाए, ताकि आपको अगले अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले ROG Phone 2 की डिजाइन की बात करें तो फोन में 6.59 इंच की यूज स्क्रीन दी गई है, छोटी बेजल्स भी मिलेगी और फोन का फ्रंट गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है। टॉप बेजल्स में कैमरा, ईयरपीस और नोटिफिकेशन लाइट मिल जाएगी और टॉप और बॉटम के अंदर फ्रंट फायरिंग स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, जो काफी लाउड बजते हैं। फोन के डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जो काफी तेज है, और फेस अनलॉक का फीचर्स भी मिल जाएगा। फोन में कर्व्ड ग्लास बैक मिलेगा, जो गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। टॉप में ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाएगा विद ड्यूल LED फ्लैश, और सेंटर में RGB लाइट वाला ROG का लोगो मिलेगा और उसके नीचे रिपब्लिक ऑफ गेमर लिखा हुआ है, यानी ये ट्रूली गेमिंग फोन है। फोन के राइट में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिया है और ऊपर और नीचे की साइड 8 ट्रिगर्स दिए हैं, जो गेमिंग खेलने के लिए बने हुए हैं। फोन के लेफ्ट में स्पेशल कनेक्टर मिलता है, जहां पे आप ROG Phone 2 की एक्सेसरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, आगे मैं एक्सेसरीज का रिव्यू भी देने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो पूरा देखें। और आगे बात करें तो नीचे ड्यूल सिम ट्रे दी गई है। फोन में कोई माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। फोन के बॉटम में टाइप सी पोर्ट मिलेगा और 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाएगा। फोन की फ्रेम एल्यूमिनियम से बनी है, यानी फोन का बिल्ड टाइप बहुत ही अच्छा दिया है। आगे पीछे गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन और फ्रेम एल्यूमिनियम की दी गई, यानी बहुत ही अच्छा बिल्ड दिया हुआ है। लेकिन फोन का जो वेट है वो काफी ज्यादा है, इसमें लगी है बड़ी स्क्रीन और 6000 mAh की बैटरी, उसकी वजह से फोन का जो वेट है 240 ग्राम का है। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। फोन में डिस्प्ले की बात करें तो 6.59 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है और डिस्प्ले HDR को भी सपोर्ट करती है। डिस्प्ले पैनल में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस 120Hz रिफ्रेश रेट की वजह से। सेटिंग में रिफ्रेश रेट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, 60, 90 और 120 के बीच में भी रख सकते हैं। फोन में कैमरे की बात करें तो रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पे प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जो सोनी का IMX586 सेंसर लगा है, जो आजकल कॉमन हो चुका है, बहुत सारे फोन्स में यही सेंसर मिलता है। सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा, यानी उससे आप अल्ट्रा वाइड शॉट ले सकते हैं। फोन के कैमरे में बहुत सारे मोड्स मिलने वाले हैं, जिसकी डिटेल में अगले वीडियो में बताने वाला हूं। फोन में वीडियो की बात करें तो 4K वीडियो 60fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोचा था यहां पे 8K का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में अभी एक ही ऐसा फोन है जहां पे 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन सा फोन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फोन में परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है, जहां पे मिलती है 2.9 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, तो ये वर्ल्ड का सबसे फास्ट फोन हुआ। फोन में एड्रिनो 640 का GPU मिल जाएगा। फोन में 12GB की रैम मिलेगी और 512GB का स्टोरेज UFS 3 मिलने वाला, यानी ये बहुत ही तेज स्टोरेज होने वाला है, बहुत ही फास्ट आपको रिस्पांस टाइम मिलेगा। फोन में कोई माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्टोरेज दी गई है ऑलरेडी। फोन के अंदर गेम लॉबी का फीचर्स दिया है, जहाँ पे आप गेमिंग में परफॉर्मेंस और नोटिफिकेशंस और भी बहुत सारी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस आपको एडजस्ट करना है तो किसी भी गेम के अंदर आपको जो क्लॉक स्पीड है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड रखनी है, वो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो बहुत कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलने वाला है। ROG Phone 2 चलता है ROG UI पे, जो बना हुआ है Android 9 Pie के ऊपर। फोन में बहुत सारी गेमिंग थीम्स मिलती है। फोन का UI काफी स्मूथ है और यूजर फ्रेंडली भी है। फोन में बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी दी गई है, यानी बैटरी बैकअप काफी ज्यादा मिलता है, यानी आप कई घंटों तक कंटिन्यूस गेम खेल सकते हैं। और फोन में 30W का Asus प्रोप्राइटरी चार्जर मिलेगा, जो तेजी से इस 6000 mAh की बैटरी को चार्ज कर देगा। फोन में एक्सेसरीज की बात करें तो एरो एक्टिव कूलर 2 लगा है, पिछले कूलर से 4 गुना ज्यादा उनको ठंडा करता है, और उसमें आपको टाइप सी चार्जर और 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलेगा। दूसरी एक्सेसरीज की बात करें तो ट्विन व्यू डॉक मिलता है, जहां पे आपको दूसरी डिस्प्ले मिल जाएगी, जो थोड़ी बहुत गेम्स को सपोर्ट करती है, यानी आप दूसरी स्क्रीन में भी गेम खेल सकते हैं और दूसरी डिस्प्ले आप दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे आप सोशल मीडिया ऐप को यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब के वीडियो भी देख सकते हैं और एक स्क्रीन के अंदर गेम भी खेल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं एक साथ, यानी मल्टीटास्किंग हो सकता है ये फोन। और स्क्रीन का जो दूसरी जो स्क्रीन है उसका रिफ्रेश रेट भी 120Hz का है, यानी सेम रेट मिलेगा, और वहां पे अलग से 5000
5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो डॉक के अंदर बैटरी मिलती है, यानी वो इसी फोन की बैटरी का यूज नहीं करेगा, अलग से उसको बैटरी दी गई है। लेकिन दोनों को डॉक और फोन को मिला के दोनों का वेट बहुत ही बढ़ जाएगा। और दूसरी एक्सेसरीज की बात करें तो रोक उन्हें गेम पैड दिया है जो बहुत ही अच्छा है, जिसको अलग से ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोलर को सेपरेट करके फोन में भी लगा सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सेसरीज दी गई है यहाँ पे, और भी इसका डिटेल रिव्यू मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो गेम पैड है वो बहुत ही काम का है, जिसका जो डिटेल रिव्यू है मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ROG Phone 2 की प्राइस की बात करें तो करीब 70,000 के करीब आ सकता है ये फोन, और सितंबर महीने में ग्लोबल लॉन्च हो सकता है। ओवरऑल फोन बहुत ही पावरफुल है, बहुत सारे फीचर से भरा पड़ा है, ट्रूली गेमिंग फोन है और एक्सेसरीज भी बहुत सारी दी गई है। अभी तक का सबसे पावरफुल फोन रहा है वो नूबिया रेड मैजिक 3 रहा है। इसकी लॉन्च होने के बाद देखते हैं कौन सा फोन ज्यादा मार्केट कैप्चर करता है। हालांकि दोनों फोन के अंदर बहुत सारा प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप नए हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट्स और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।